इंदौर आरटीओ ऑफिस के पास एक कॉलोनी में नकली खाद बनाने का काम चल रहा था। सूचना के बाद यहां कृषि विभाग के अफसर और पुलिस पहुंच गए हैं। यहां से लाखों रुपए कीमत का माल जब्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों ने मामले में केस दर्ज कराया है। यहां गोदाम में काम कर रहे दो कर्मचारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एम्पायर विक्ट्री कॉलोनी के पीछे कंपाउंड में एक गोदाम में डीएपी कंपनी की खाली बोरियों में नकली खाद भरी जा रही है। इसके बाद इसे बाजार में उतारा जा रहा है। यहां काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि इंदौर से यह माल ट्रक में रखकर सिवनी भेजा जा रहा था। जब कर्मचारी से गोदाम के मालिकों को लेकर पूछताछ की गई तो उसने सचिन पुत्र सूरज कटारिया और राजेंद्र बिरथरे का नाम बताया, जो गोदाम बनाकर मिलावटी काम कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक खाद महाधन फर्टिलाइजर देवास की कंपनी से लाई जा रही थी, जिसे ब्रांडेड कंपनी की खाली पैकेजिंग में भरकर मार्केट में बेचा जा रहा था। मौके से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। दोनों मालिकों की तलाश की जा रही है। यहां लगभग 357 बोरी खाद और 8 किलो फर्टिलाइजर बरामद किया गया है। वहीं एक ट्रक को भी पकड़ा है, जिसमें माल सिवनी जाना था। थाने पर एक फोन आया था किसी व्यक्ति का। उसका यह कहना था कि अम्पायर विक्ट्री कॉलोनी जो है आरटीओ के पास में, आरटीओ ऑफिस के पास में, वहाँ पर अम्पायर विक्ट्री कॉलोनी के पीछे एक कंपाउंड है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर नकली खाद बनाई जा रही है डीएपी। कुछ डीएपी की जो इफ़को कंपनी की बोरियाँ हैं, वहाँ पर खाली बोरियों में कुछ मटेरियल भरा जा रहा है और असली डीएपी की तरह बाज़ार में उतारने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है।